अब जो जो के रिएक्शन देते हैं इसी गाड़ी में बैठने में कितना डर लगता है। चल गाड़ी में फटाफट से काम करते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है मनाली साइड। फाइनल राउंड चल रहा है, अब इनको एक बार उठाएंगे और उसके ऊपर। हेलो गाइस, दिस इज माउंटेन लाइफ मनाली। तो कैसे आप सभी, तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी कैसे इनको जैसे घर में, तो अभी हम जॉब की मंडाई करने वाले हैं, तो आपको भी दिखाएंगे। तो मौसम अभी तक साफ है, अभी हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और हमने रखे हैं जौ इस तरह से। अभी हम जौ की मंडाई करने वाले हैं अपनी बिस्ट से, तो आपको भी दिखाएंगे। और जिनने पहले भी वीडियो देखी है उनको तो पता ही होगा कि इस तरह से जौ की मंडाई होती है। तो ये रही अपनी परी बिस्ट और इसको करते हैं स्टार्ट। और आज करते हैं यहाँ पे अच्छे से जौ की मंडाई। अभी तो थोड़े से जौ है तो इनकी मंडाई करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज के ब्लॉग को शुरू। और आप देख सकते हैं अंगूर भी अभी तैयार होने वाले हैं, अभी तो छोटे हैं और 15-20 दिन में ये तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी बिस्ट के पास और इसको करते हैं स्टार्ट। और अभी तक इन्हें धूप लगाने के लिए रखा था, अभी धूप अच्छे से लग चुकी है और सुबह मैंने ये यहाँ पे ला के रखी थी। और ये है हमारा छोटा सा पार्किंग एरिया। तो ऊपर से तो गाड़ी में जाने को नहीं, गाड़ी में यहीं से जाना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने गॉगल भी लगाई है और बहुत ही ज़्यादा धूप भी लग रही है। तो गाइस अपनी भी स्टार्ट हो गई है और हल्की हल्की हवा भी लगनी शुरू हो गई। फटाफट से काम करते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है मनाली साइड को, और बादल क्या खूबसूरत लग रहे हैं। हम कुछ इस तरह से जौ की मंडाई करते हैं। ज़्यादातर लोग मेन रोड में जौ की मंडाई करते हैं और अपने ही घर में करते हैं, तो कुछ इस तरह से। और अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा रिवर्स पीछे, तो इसी तरह से हमारा प्रोसेस रहेगा। तो एक राउंड हमारा हो चुका है, अब हमारा सेकंड राउंड चल रहा है। इसी तरह से हम गाड़ी को आगे पीछे करते रहेंगे और हमारी जौ की मंडाई कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से अब जौ के दाने बिखरने शुरू हो गए हैं। और ये अपना जो जो पता नहीं कहाँ से है एकदम, मैंने तो इसको देखा भी नहीं पीछे। अब मैं ये बहुत शरारती हो गया है और कहाँ कहाँ घूमता रहता है दिन भर। और इसे मैं सोच रहा हूँ अब इसको चैन लानी पड़ेगी बांधने के लिए, और नहीं तो ये पूरे गांव में घूम रहा है। जो जो के रिएक्शन देते हैं इसी गाड़ी में बैठने में कितना डर लगता है। चल गाड़ी में चल चल। अब जो जो भी हमारे साथ आया है, जब इसे फर्स्ट बार गाड़ी में मैंने लाया था कुल्लू से, इसने बहुत सारी उल्टियाँ की थी गाड़ी में, बट अभी उतना नहीं डरता। ओए डर रहा है तो ले, ले। जो जो का ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाड़ी में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हीट है। गाड़ी चलाएगा। मुझे ना इसके पैर बहुत प्यारे लगते हैं, बड़े बड़े। राउंड हमारा हो चुका है और साइड से जो यहाँ से टाई नहीं आ पा रहा है, तो इसको हम पलटाने वाले हैं। तो सेकेंड राउंड भी करेंगे और तीसरे राउंड में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इस तरह से निकल चुके हैं सारे, और यहाँ से तो गाड़ी बढ़िया आ पा रही है। और यहाँ नीचे से थोड़े रह गए हैं और इनको हम अभी करने वाले हैं। और गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा है, चलो सबसे पहले पानी पीते हैं। और यहाँ रखे मैंने सीधा फ्रिज से निकाल के बोतल, और इसमें आइस थी वो तो सारी पिघल चुकी है। फाइनल राउंड चल रहा है, अब इनको एक बार उठाएंगे और उसके ऊपर गाड़ी चलाएंगे, तो जौ की मंडाई हमारी हो जाएगी फाइनल। शब्बू भी आ चुके हैं अभी। क्या हो गया? थक गया बहुत ज़्यादा, हालत खराब हो गई आज, बहुत ज़्यादा काम किया आज, गोगल हो गया आज 50 बोरी अभी भी पर देख। पहले गई थी तेरी जेब है ना, अभी आ चुकी है। जौ की मंडाई कर ली है,
और इसमें से घास भी छंटाई हमने कर लिया और घास हमने यहाँ पे रख दिया है। जो इसमें अभी घास वगैरह रहेगा, धूल वगैरह रहेगी, अभी हम उसको इसे छंटाई करेंगे। और अभी हवा भी सही चली है तो हवा से धूल मिट्टी सारी उड़ जाएगी। और इसमें ऐसा रहता है, इसमें हवा का वेट करना पड़ता है और जैसे ही हवा आती है वैसे इसको आराम आराम से नीचे फेंकना पड़ता है और जो इसमें धूल मिट्टी और भी घास होता है साइड को उड़ जाता है। यहाँ पे हम ट्रैक्टर लगाने वाले हैं और यहाँ पे लगाने वाले हैं हम मिर्च, तो उसके लिए तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे रहे अपने एप्पल गाला, ट्रैक्टर हमने लगा दिया यहाँ पे। तो 4 बजने वाले और मौसम हल्का हल्का ख़राब हो रहा है और आपको मनाली में पता है कभी भी बारिश पड़ सकती है, तो कुछ ऐसा वेदर है।